नमस्कार दोस्तों मैं चल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं देन लेट स्टार्ट सो फ्रेंड्स आज हम हाँ मल्टीमीटर की और एक फॉल्ट को रिपेयर करना सीखेंगे सो so, प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए तो चलिए सबसे पहले फॉल्ट को देख लेते हैं जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो 4.87 पॉइंट वोल्ट डीसी आउटपुट हो रही है इन दो वायर के माध्यम से अब हम इसी दो वायर को मल्टीमीटर से कनेक्टेड प्रोफ से कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कितनी वोल्टेज शो करती है सो यहाँ पर आप देख सकते हो 4.87 पॉइंट वोल्ट की जगह मल्टीमीटर में हमें शो कर रही है 3.99 या फिर 98 वोल्ट जबकि मल्टीमीटर में हमें लगभग फोर या फिर फोर वोल्ट शो करना था अब हम दूसरी मल्टीमीटर से सेम वोल्टेज को एक बार चेक कर लेते हैं सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो 4.85 पॉइंट वोल्ट की जगह 4.90 पॉइंट वोल्ट शो कर रही है थोड़ा ज़्यादा शो कर रही है तो चलिए एक बार ए सी वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं सो so, यहाँ पर आप देख सकते हो ए सी वोल्टेज वन नाइन सेवन वोल्ट शो कर रही है और आप एक बार दूसरी मल्टीमीटर से भी चेक कर लेते हैं और इस मल्टीमीटर में टू फिफ्टी थ्री वोल्ट शो कर रही है जबकि उस येलो मल्टीमीटर में बहुत ही कम वोल्टेज शो कर रहा था सोगा so इस आपने मल्टीमीटर की फॉल्ट को देख लिए कि इसमें थोड़ा वोल्टेज कम आ रहा है चाहे वो ए सी या फिर डी सी हो और ये प्रॉब्लम क्यों आती है और कैसे इसे रिपेयर करना है आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे तो चलिए सबसे पहले इसे खोल लेते हैं और इसे खोलने के टाइम पे आपको थोड़ा पेशेंट रखना होगा ताकि ये जल्दबाजी में अंदर से डैमेज ना हो जाए और इसे खोलने के बाद ऊपर की, की तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो एक पोटेंशियल मीटर या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है और किसी किसी सर्किट बोर्ड में इस वेरिएबल रेजिस्टेंस की जगह सिंपल एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है और इसी वेरिएबल रेजिस्टेंस की खराब होने पर या फिर इसकी अंदर कार्बन जम जाने पर या फिर जो सिंगल रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है उस सिंगल रेजिस्टेंस की खराब हो जाने पर मल्टीमीटर ठीक से वोल्टेज को शो नहीं कर पाती और इस मल्टीमीटर की केस में ये वेरिएबल रेजिस्टेंस खराब हो चुका है तो सबसे पहले मैं इसे रिप्लेस कर दूंगा दूसरी वेरिएबल रेजिस्टेंस से सो so, वेरिएबल रेजिस्टेंस को चेंज करने के बाद हम फिर से उसी आउटपुट वाली दो वायर से मल्टीमीटर को कनेक्ट करेंगे और कनेक्ट करने के बाद इस तरह की एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर लेंगे और उसे वेरिएबल रेजिस्टेंस के अंदर डाल के धीरे धीरे इसे घुमाएंगे जब तक कि आउटपुट वाली वोल्टेज से मल्टीमीटर की वोल्टेज ना मिलती है सो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं स्क्रू ड्राइवर धीरे धीरे घुमा रहा हूँ और मल्टीमीटर में वोल्टेज जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है और इसे आपको धीरे धीरे करना होगा बिल्कुल भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है सो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टीमीटर में वोल्टेज जो है वो इनक्रीज हो रही है और इस तरह से घुमाते घुमाते आउटपुट वाली वोल्टेज से मल्टीमीटर की वोल्टेज आपको सेम करना है सो so, यहां पर आप देख सकते हो वोल्टेज जो है वो लगभग आउटपुट वाली वोल्टेज से मैच हो चुकी है और आप हम स्क्रूड्राइवर को निकाल लेंगे तो चलिए एक बार आउटपुट वाली वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं और देखते हैं सो so, यहां पर आप देख सकते हो आप वोल्टेज जो है वो काफी हद तक ठीक दिखा रहा है तो चलिए एक बार ए वोल्टेज को भी चेक कर लेते हैं सो so यहाँ पर आप देख सकते हो आप ए वोल्टेज टू शो कर रही है जबकि पहले वन शो कर रहा था so सो गाइज अगर आपके मल्टीमीटर में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसे कुछ इस तरह से रिपेयर कर सकते हैं ओके गाय थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो इफ़ लाइक माय वीडियो होते प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू